जहां सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर तरह तरह के कानून बनाकर आने वाले समय में उनकी आय दुगनी करने की बात कर रही है, तो वहीं किसानों की समस्याएं विभागीय लापरवाही के चलते कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते किसान नेता राजवर्धन के नेतृत्व में सवाजपुर तहसील में उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने अपनी समस्याओं को पुरजोर से उठाया है, साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि 15 दिन में समस्याओं का निदान ना होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई का कटियारी क्षेत्र वैसे भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कई नदियों से घिरा हुआ होने के कारण यहां किसानों की समस्याएं बनी हुई है। सिंचाई का प्रमुख साधन ट्यूबवेल, बोरिंग और नलकूप है, जिसके लिए सिंचाई में ज्यादातर लोग बिजली का उपयोग करते हैं। इस समय कटियारी के किसानों की प्रमुख समस्या लो वोल्टेज है, जिसके चलते किसानों की दर्जनों की संख्या में मोटर फूक चुकी है। किसानों को सिंचाई में समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं किसान इससे बेहाल है और बिजली महकमे को कोस रहा है। वहीं अन्य प्रमुख समस्या, सवाजपुर पावर हाउस पर तैनात कर्मियों द्वारा दर्जनों किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर जमकर धन उगाही करने का है। आलम यह है कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं मिला, जेई का ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर युवाओं के बीच उभर कर सामने आए राजवर्धन सिंह राजू, जो कि किसान नेता भी हैं। किसानों ने अपनी समस्याएं उनको बताई तो राजवर्धन ने उन सबको भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई को प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे। इसी कड़ी में आज उपजिलाधिकारी सवाईपुर को किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। के चक्कर में जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। मांगे हो किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे ये है कि जो ये सवाजपुर विधानसभा के अंतर्गत रूपापुर क्षेत्र जो है, उसमें कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के भी तुम इधर आ जाओ, यहां अभी जो किसानों की एक प्रमुख समस्या है बिजली का लो वोल्टेज, बिजली ना आना और बिजली के जर्जर तार, ट्रांसफार्मर कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर बदलाने को लेकर हम लोगों ने एक आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इसलिए दिया है कि काफी किसानों के मोटर फूक गए हैं, कई कई बार फूक गए हैं, क्योंकि ये ज्वलन समस्या है, किसानों जुड़ी समस्या है। सिंचाई का एकमात्र यही साधन, यहाँ बिजली अगर नहीं आएगी तो न यहाँ कोई नहरें हैं, ना कोई माइनर है और ना ही कोई अन्य सिंचाई की व्यवस्था, उसको लेकर एक तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। दूसरी चीज, अघोषित बिजली की जो कटौती होती है बिना बताए, आप लोग उद्योगपतियों को बिजली देते हैं लगातार, चीनी मिल को बिजली 24 घंटे मिलती है, लेकिन किसानों का जब भी समय आता है, चाहे सिंचाई का समय हो, चाहे धान रोपाई का समय उनका हो और चाहे उनके बहन बेटियों की शादी हो, तब बिजली जरूर गुल हो जाती है। तो दूसरी मांग ये थी। तीसरी एक प्रमुख समस्या यहाँ की जो है, विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पिछली बार एक एपी सिंह जेई यहाँ पे पोस्टेड था, जितने हमारे काफी किसान भाइयों थे 25-25, 50-50 हजार रुपया लूट के रख लिया और ये कहा कि तुम्हारा निजी नलकूप कनेक्शन कराएंगे, लेकिन ना ही कनेक्शन हुए और ना ही कोई आगे कार्रवाई बढ़ी, तो उनपे मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो किसानों का पैसा वापस कराए। तीसरी मांग ये है, यहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय और बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमको आज आश्वस्त किया है कि समस्या का जल्द समाधान होगा। अगर ये 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से बड़ा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.